दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए जून 2022 के अंतिम सप्ताह की 15 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, साप्ताहिक रोजगार समाचार के लेटेस्ट अपडेट है। 30,000 से अधिक यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज निकली है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। 8वीं 10वीं 12वीं पास के लिए भी मौका है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। इन सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 15 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं जून 2022 के अंतिम सप्ताह की टॉप 15 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है SSC में। हेड कॉन्स्टेबल की भर्ती है। 800 से अधिक वैकेंसी यहाँ पर निकली है। आवेदन इसके लिए 4 जुलाई से शुरू होंगे, लास्ट डेट 3 अगस्त है। लेवल 4 के अंतर्गत सैली है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SC ST फीमेल के लिए फीस नहीं है। सिलेक्शन होगा रिटर्न फिजिकल और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो SSC.NIC.IN पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी SSC में ही निकली है। कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है। 1000 से अधिक वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए 27 जून से शुरू होंगे, लास्ट डेट 26 जुलाई 2022 है। 5200 से 20200 सैलरी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल के लिए नहीं है। सिलेक्शन होगा रिटर्न फिजिकल और ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो SSC.NIC.IN पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जहां पर थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है JSSC में। स्टेनोग्राफर के लिए 452 वैकेंसी यहां पर निकली है। डेट की बात की जाए तो आवेदन 28 जून से शुरू होंगे, लास्ट डेट 27 जुलाई 2022 है। लेवल 4 के अंतर्गत सैलरी है। डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 35, 37, 38 और 40 वर्ष है। 150 रुपये एप्लीकेशन फीस है। सिलेक्शन होगा स्किल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है। JSSC.NIC.IN पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में। फिजिकल एजुकेशन टीचर PTI की पोस्ट है। 5546 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए भी 23 जून से शुरू होंगे, लास्ट डेट 22 जुलाई है। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी है। 12वीं पास साथ में डिग्री CPED, DPED, BPED से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। 450, 350 और 250 रुपये फीस है। रिटर्न एग्जाम से चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है। SSO.Rajasthan.GOV.IN पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है असम राइफल्स में। यहाँ पर टेक्निकल और ट्रेड्समैन की पोस्ट है। 1380 वैकेंसीज है। 20 जुलाई तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। 200 रुपये फीस है। SST फीमेल के लिए नहीं है। रिटर्न फिजिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो assamrifles.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट है। 400 वैकेंसीज है। 14 जुलाई तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 12 लाख पर अनम के लिए सैलरी है। ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 27 वर्ष आयु सीमा है। 1081 रुपये फीस है। PWD के लिए नहीं है। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के आधार पे। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो AI.AERO पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 7 नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी JSSC में निकली है।
फिशरीज ऑफिसर, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, जियोलॉजिकल एनालिस्ट, सीनियर ऑडिटर की यहाँ पर पोस्ट निकली है। वैकेंसी टोटल 594 है। 13 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हो। लेवल 6 के अंतर्गत सैलरी है। ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 35 और 38 वर्ष आयु सीमा है। 100 और 50 रुपये फीस है। रिटर्न से चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है, jssc.nic.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है BSF में। कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। 110 वैकेंसीज है। 12 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 10वीं पास, डिप्लोमा पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 और 30 वर्ष आयु सीमा है। 200 रुपये फीस है। SST फीमेल के लिए नहीं है। रिटर्न फिजिकल मेडिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। recruit.bsf.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है BRO में। स्टोर कीपर टेक्निकल मल्टी स्किल्ड वर्कर की पोस्ट है। 876 वैकेंसीज यहाँ पर इसके लिए निकली है। 11 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हो। लेवल 2-1 के अंतर्गत सैलरी है। 12वीं पास, 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 50 रुपये फीस है। SST के लिए नहीं है। सिलेक्शन होगा फिजिकल प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के आधार पे। ऑफलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन नेवी में। अप्रेंटिस के लिए 338 सीट्स है। 21 जून से आप 8 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हो। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। फीस जमा नहीं करनी होगी। रिटर्न से चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। मुंबई जॉब लोकेशन है। dsapprentice.mbi.recruitindia.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ITBP में। हेड कॉन्स्टेबल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। 286 वैकेंसीज है। 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हो। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 और 35 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल के लिए नहीं है। फिजिकल रिटर्न मेडिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। recruitment.itbpolice.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 12 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट में। पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट है। 1395 वैकेंसीज है। 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 2 के अंतर्गत सैलरी है। ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 40, 42, 43 और 48 वर्ष आयु सीमा है। 500-400 रुपये फीस है। रिटर्न से चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर जॉब लोकेशन है। jkssb.nic.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 13 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है आंगनवाड़ी में। जी हाँ दोस्तों, आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी असिस्टेंट की पोस्ट है। 1033 पद खाली है। 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हो। 10वीं पास, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। नई एग्जाम देना होगा। मेरिट से चयन होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है। wcd.rajasthan.gov.in पोर्टल से आप आवेदन डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 14 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली उत्तर प्रदेश सेकंड एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। TGT और PGT की पोस्ट है। 4163 वैकेंसीज है। 3 जुलाई 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 7-8 के अंतर्गत सैलरी है। ग्रेजुएट BEd LT और BT डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 21 वर्ष आयु सीमा है। रिटर्न से चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। UP जॉब लोकेशन है। upscssb.org पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 15 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है FCI में। कैटेगरी सेकंड थर्ड फोर की पोस्ट है। 4710 वैकेंसीज है। डेट जल्दी डिक्लेयर की जाएगी। 8वीं पास, डिग्री PG डिग्री इंजीनियरिंग पास अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 25, 28, 35 वर्ष आयु सीमा है। 1000 रुपये फीस है। SST फीमेल के लिए नहीं है। रिटर्न से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो fci.gov.in पोर्टल से। तो दोस्तों ये थी जून 2022 के अंतिम सप्ताह की टॉप 15 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको विभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके मन में भिन्न भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अंत में दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।